इस वीडियो में हम बात करेंगे 2018 की फिल्म ब्लेस्ड मैडनेस के बारे में, जो कहानी है गुलियेल्मो नाम के एक आदमी की, जिसे उसकी पत्नी ने छोड़ दिया और तब उसकी असिस्टेंट उसकी जिंदगी में आई और गुलियेल्मो के लिए सब कुछ बदल गया। 1992 में गुलियेल्मो एक लापरवाह आदमी हुआ करता था और तब उसकी मुलाकात लिडिया से हुई, जिससे शादी करने के बाद सब कुछ बदल गया। 25 सालों बाद आज गुलियेल्मो एक ऐसा आदमी है जो धर्म में मानता है और 25 सालों की अपनी शादी से खुश है। एक रात अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए जब वो लिडिया को एक रेस्टोरेंट में ले गया, तो उनके आसपास सिर्फ चर्च के पादरी बैठे थे जिनके लिए गुलियेल्मो काम करता है, और उनके जश्न का हिस्सा वो पादरी बना जिसने उनकी शादी करवाई थी। वो उन्हें एक अजीब सा जोक सुनाने लगा और लिडिया के लिए वो जश्न बर्बाद होने लगा। परेशान होकर लिडिया ने उसे बता दिया कि उसका एक साल से किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। गुलियेल्मो जानना चाहता था कि वो दूसरा मर्द कौन है, पर लिडिया का किसी मर्द के साथ नहीं, गुलियेल्मो की दुकान में काम कर रही लड़की सिल्वाना के साथ अफेयर चल रहा था। गलती से यही बात लिडिया ने अपनी बेटी और उसके परिवार के सामने कह दी, जिसके बाद चीजें और बिगड़ गई और उस रात लिडिया और गुलियेल्मो ने अलग होने का फैसला कर लिया। अब गुलियेल्मो अपनी जिंदगी अकेले बिताने लगा। उसने सालों पहले हुए एक एक्सीडेंट की वजह से बाइक चलाना छोड़ दिया था, पर हर रोज अपने अतीत को याद करके उसे बेहतर महसूस होता है। सिल्वाना को नौकरी से निकालने के बाद वो अब एक नई असिस्टेंट ढूंढ रहा था, पर इस काम के लिए वो सिर्फ एक नन को नौकरी देना चाहता था, और जल्द ही उसे रीटा नाम की औरत के रूप में वो नन मिल गई। वहाँ से निकलते हुए अचानक उसकी दुकान में एक लड़की घुस आई और गुलियेल्मो के पूछने पर उसने बताया कि वो यहाँ नौकरी के लिए आई है। वो अजीब सी लड़की लूना एक मॉडल हुआ करती थी और गुलियेल्मो की बात सुने बिना ही वो कहने लगी कि उसे ये नौकरी मंजूर है। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसने गुलियेल्मो से सैनिटरी पैड्स लाने के लिए कहा। लिडिया अब सिल्वाना के साथ रहने लगी थी, पर गुलियेल्मो अब भी उसे पाने की कोशिश में लगा था। जब वो लौटकर दुकान में आया तो उसने कुछ लोगों को दुकान से मूर्ति ले जाते हुए देखा और उसे पता चला कि लूना ने वो मूर्ति बेच दी है जो 10 सालों से वो नहीं बेच पाया। गुलियेल्मो उसे समझाने की कोशिश करने लगा कि उसने किसी और को ये नौकरी दे दी है, पर लूना ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे कि वो नौकरी उसी की है। वो गुलियेल्मो की बातें सुनकर रोने लगी और कहने लगी कि उसके पति ने भी उसे घर से निकाल दिया है और अब गुलियेल्मो उसे यहाँ से निकाल रहा है। ये सुनकर गुलियेल्मो ने अपनी टूटी हुई शादी के बारे में उसे बताया। लूना को रोते देख गुलियेल्मो ने कहा कि वो एक महीने के लिए उसे नौकरी देगा, और ये सुनकर लूना बेहद खुश हो गई। काम शुरू होते ही लूना ने गुलियेल्मो से दोस्ती करना शुरू कर दिया और उसे एक नया प्यार ढूंढने की सलाह देने लगी। वो कहने लगी कि वो बस अपने बॉस की मदद करना चाहती है, इसलिए उसने टिंडर नाम के ऐप में उसकी प्रोफाइल बना दी। गुलियेल्मो अब भी अपनी पत्नी को पाना चाहता था, इसलिए उसे कोई और पसंद आ ही नहीं रही थी। पर फिर एक रात उसकी एक औरत से बात शुरू हुई और उसने इस नए रिश्ते को मौका देने के बारे में सोचा। लूना ने उसकी दुकान का माहौल बदलना शुरू कर दिया था और इस बात से कोई खुश नहीं था। गुलियेल्मो ये नहीं जानता था कि कुछ लोग लूना से पैसे वसूलना चाहते हैं। और इसलिए वो ये सोचने लगा कि लूना उसकी वजह से रो रही है। उस वक्त काम करते हुए लूना को पैसे चुकाने का एक रास्ता नजर आया और वो गहरी सोच में पड़ गई। लूना को ये भी पता चला कि लिटिजिया नाम की औरत गुलियेल्मो से बात करना चाहती है, पर गुलियेल्मो का लिटिजिया पर ध्यान नहीं है। लूना ने खुद उस औरत से बात की और गुलियेल्मो को उसी शाम उससे मिलने के लिए तैयार करना शुरू किया। मगर जब उस रात वो लिटिजिया के घर गया तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत आई, जिसे देखकर वो भागने लगा। वो औरत लिटिजिया नहीं, उसकी मौसी थी, और यही बात समझाने के लिए लिटिजिया गुलियेल्मो के पीछे दौड़ी। लिटिजिया उसके सामने तो आई, पर उसके सामने आने के बाद भी गुलियेल्मो के लिए कुछ बेहतर नहीं हुआ, और लिटिजिया की अजीब सी हरकतों से पूरी रात उसे शर्मिंदा होना पड़ा। कुछ वक्त बाद लिटिजिया गुलियेल्मो के घर गई, जहां गुलियेल्मो का ध्यान अपनी पेंटिंग्स पर था, मगर लिटिजिया का ध्यान कहीं और था।
अचानक वो गहरी नींद सो गई और लाख कोशिशों के बाद भी वो नींद से जागी नहीं। और जब थक कर गुलियेल्मो सो गया तो मौका मिलते ही वो वहां से चली गई। लूना जानती थी कि गुलियेल्मो अब भी सिर्फ लिडिया के बारे में सोच रहा है, इसलिए किसी और को मौका नहीं देना चाहता। इसी बारे में बात करते हुए उन दोनों ने एक दूसरे को पागल कह दिया और उनकी बहस हो गई। कुछ देर बाद उन दोनों ने एक दूसरे से माफी भी मांग ली और तब लूना ने गुलियेल्मो की बाइक देखी। तब उसे पता चला कि गुलियेल्मो अब बाइक चलाने से डरता है। उन दोनों को एक पोप ने मिलने बुलाया था क्योंकि वो गुलियेल्मो से अपने कपड़े बनवाना चाहता था। एक तरफ जहाँ गुलियेल्मो उस पोप के लिए कपड़े बनाने की तैयारी कर रहा था, तो वही लूना वहाँ मौजूद गार्ड को परेशान कर रही थी। गुलियेल्मो ने काम होने के बाद उसकी हरकतों के लिए माफी मांगी, पर वो नहीं जानता था कि उस गार्ड को लूना की हरकतें पसंद आई। लूना ने फिर से अपने बॉस को एक डेट पर भेजा और इस बार जिस औरत से वो मिला वो इतना ज्यादा बोल रही थी कि उसकी बातें और हरकतों से गुलियेल्मो परेशान होने लगा। रफेला नाम की वो औरत सिर्फ अपनी बीमारियों के बारे में बताए जा रही थी और इसी वजह से गुलियेल्मो वहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगा। रफेला जबरदस्ती उसे नचाने लगी और उसकी जिद की वजह से गुलियेल्मो को घायल होकर उस घर से निकलना पड़ा। उसने लूना से गाड़ी लाने के लिए कहा ताकि वो अपने घर पहुंच सके, पर लूना के साथ उसकी तीन दोस्त भी वहां आ पहुंची। कुछ देर बाद उन लोगों ने गुलियेल्मो को पैरासिटामोल के नाम पर ड्रग्स दे दिए और इस बात से लूना अनजान थी। गुलियेल्मो नशे में डूबने लगा और लूना के दोस्तों के साथ पार्टी में जाने के लिए जिद करने लगा। क्लब में पार्टी करते हुए वो गलती से गर्ल्स वॉशरूम में घुस गया और तब उसे अपना अतीत नजर आने लगा। उसका अतीत उससे कहने लगा कि एक्सीडेंट के बाद वो इतना डर गया है कि उसने घर से निकलना बंद कर दिया और वो जिंदगी जीना भूल चुका है। ड्रग्स की वजह से उसे और भी अजीबोगरीब चीजें नजर आने लगी। और उन्हीं चीजों को देखते हुए वो बेहोश हो गया। जब अगली सुबह उसे होश आया तो उसके सामने एक नर्स थी और नेला नाम की वो नर्स ये सोचने लगी कि उसे ड्रग्स की लत है। और जब गुलियेल्मो ये गलतफहमी दूर करने की कोशिश करने लगा तो उसने उसकी एक बात नहीं सुनी। लूना ये सोचकर डरने लगी कि गुलियेल्मो ड्रग्स को लेकर उससे नाराज होगा और उसे नौकरी से निकाल देगा, पर गुलियेल्मो का कहना था कि लूना की ही वजह से उसकी शाम अच्छी गुजरी और अब वो अपनी जिंदगी नए ढंग से जीना चाहता है। गुलियेल्मो अब सालों बाद जिंदा महसूस कर रहा था और जल्द से जल्द एक डेट पर जाना चाहता था। उसने अपनी दुकान का माहौल भी बदलना शुरू कर दिया और फिर से जवान होने लगा। उसने लिडिया का नंबर भी अपने फोन से निकाल दिया और लूना से कहा कि अब वो हमेशा के लिए उसकी असिस्टेंट बन गई है। उस रात वो एड्रियाना के साथ डेट पर गया, पर एड्रियाना की हरकतों की वजह से बात हाथ से निकल गई और खुद एड्रियाना की ही तबीयत खराब हो जाने की वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया। हॉस्पिटल में फिर से गुलियेल्मो की मुलाकात ऑर्नेला से हुई और तब उसने ऑर्नेला से डेट पर चलने के लिए कहा, पर ऑर्नेला ने बताया कि दिन रात यहाँ अजीब से केसेस आते रहते हैं, इसलिए उसे डेट पर जाने का वक्त नहीं मिलेगा। ऑर्नेला और उसकी दोस्ती होने लगी थी, पर फिर ऑर्नेला को पता चला कि वो असल में एड्रियाना के साथ वहाँ आया है, इसलिए ऑर्नेला वहाँ से चली गई। अगले दिन गुलियेल्मो ने लूना को ऑर्नेला के बारे में बताया और कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्नेला को पसंद करता है। लूना ने ऑर्नेला को सोशल मीडिया पर ढूंढना शुरू किया और जल्दबाजी में गुलियेल्मो ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। कुछ दिनों बाद ऑर्नेला और उसकी बातें शुरू तो हुई, पर ऑर्नेला अब भी उसे घटिया आदमी समझ रही थी। गुलियेल्मो उसकी ये गलतफहमी मिटाने की कोशिश करता रहा, पर ऑर्नेला ने उसकी एक नहीं सुनी और फिर से गुलियेल्मो की कोशिश नाकामयाब रही। उस दिन लूना को फिर से पैसों के लिए धमकाया गया और पैसे ना होने की वजह से वो लोग उसका स्कूटर लेकर चले गए। तब गुलियेल्मो को सब कुछ पता चल गया। कुछ सालों पहले लूना ने एक आदमी से शादी की थी जिसने उन गुंडों से पैसे उधार लिए थे और वो पैसे लेकर भाग गया, जिसके बाद सारा कर्ज लूना के सर पर आ गया। गुलियेल्मो उसकी मदद करना तो चाहता था पर कर नहीं सकता था, इसलिए मजबूरी में लूना ने उसकी दुकान से कुछ सामान चुराने के बारे में सोचा। गुलियेल्मो का कहना था कि पुलिस को इस बारे में बता देना चाहिए, पर लूना ना तो पुलिस को कुछ बता सकती थी और ना ही अपने पिता को। उसके लिए चोरी ही एक रास्ता बच गया था। उस दिन गुलियेल्मो लूना को उसके पिता के पास ले जाने लगा, जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी के मालिक है।
जब लूना के पिता उसे मिले तो उसने बताया कि उसे पैसों की जरूरत है, पर उसके पिता ने कोई भी पैसे देने से इनकार कर दिया। गुलियेल्मो छुपकर उनकी बातें सुन रहा था और ये बातें सुनकर उसे पता चला कि अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद लूना के पिता उससे मिलने तक नहीं आते और लूना ने अपनी आधी जिंदगी अकेलेपन में बिताई है। लूना ये सारी बातें गुलियेल्मो से छुपाना चाहती थी, इसलिए उसने कहा कि उसके पिता पैसे देने के लिए मान गए हैं। गुलियेल्मो उसे बेहतर महसूस कराना चाहता था, इसलिए उसे बीच पर ले गया और वहाँ उन लोगों ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। बीच पर बातें करते हुए गुलियेल्मो ने कहा कि वो लूना को पैसे देगा और ये सुनकर लूना बहुत खुश हुई। उन दोनों की खुशी दुगनी हो गई जब ऑर्नेला ने गुलियेल्मो के मैसेज का जवाब दिया और इस बात की खुशी मनाने के बाद अगले दिन ऑर्नेला और गुलियेल्मो एक दूसरे से मिले। सारी गलतफहमी दूर होने के बाद ऑर्नेला गुलियेल्मो को बेहतर तरीके से समझने लगी और वो ऑर्नेला को एक नई दुनिया दिखाने लगा। दूसरी ओर लूना चोरी किया हुआ सामान फिर से गुलियेल्मो की दुकान में रखने गई और सामान रख कर वो वहाँ से निकलने में कामयाब हुई। ठीक उस वक्त गुलियेल्मो को एक मैसेज मिला जिसे देखकर वो हैरान हो गया और उसने ऑर्नेला को वही रेस्टोरेंट में छोड़कर वहाँ से निकलने का फैसला किया। वो मैसेज लिडिया ने भेजा था क्योंकि वो गुलियेल्मो के घर आना चाहती थी। गुलियेल्मो चाहता था कि लूना उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करे, पर लूना को ये बात अच्छी नहीं लगी कि ऑर्नेला को छोड़कर वो फिर से अपने अतीत की ओर भाग रहा है। घर लौटकर गुलियेल्मो लिडिया का इंतजार करने लगा और जब वो वहाँ आई तो वो ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे कि वो जिंदगी में बहुत खुश हो। अचानक लिडिया रोने लगी और कहने लगी कि सिल्वाना के पास जाने का उसका फैसला गलत था। गुलियेल्मो को वो मिल गया जो वो चाहता था, पर ठीक उस वक्त लूना वहाँ आ पहुँची। लूना पूरी शिद्दत से उसकी गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग कर रही थी और इसी वजह से लिडिया नाराज होकर वहाँ से चली गई। गुलियेल्मो ने जो ऑर्नेला के साथ किया वो लूना को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए उसने नौकरी छोड़ दी और गुलियेल्मो फिर से अकेला हो गया। कुछ दिनों बाद जब गुलियेल्मो अपनी दुकान में अकेला था तब वहाँ लिडिया आई और बातों बातों में उसने माफ़ी मांगी। गुलियेल्मो ने सोचा कि वो फिर से अपनी शादी को मौका देना चाहती है, पर ऐसा कुछ नहीं था और वो सिल्वाना को एक और मौका देना चाहती थी। गुलियेल्मो फिर से अकेला हो गया। पैसे ना चुकाने की वजह से लूना को उन गुंडों के लिए काम करना पड़ रहा था और दूसरी ओर गुलियेल्मो को पता चला कि ऑर्नेला ने उसे ब्लॉक कर दिया है। कुछ देर बाद उसे याद आया कि उस दिन लूना का जन्मदिन है और 25 सालों बाद उसने पहली बार अपनी बाइक को गैराज से बाहर निकाला। वो जल्द से जल्द लूना से मिलने गया और उसे काम करने से रोकते हुए उसने क्लब के मालिक से कहा कि वो लूना का पूरा उधार चुकाकर उसे आजाद कर रहा है। जैसा गुलियेल्मो ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ और उसे पीटकर लूना के साथ बाहर फेंक दिया गया। गुलियेल्मो ने लूना को आजाद तो कर दिया था, पर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जब अगली सुबह उसकी आंखें खुली तो उसके सामने लूना नहीं ऑर्नेला थी और तब गुलियेल्मो को पता चला कि ऑर्नेला असल में लूना की माँ है। लूना जानती थी कि गुलियेल्मो एक अच्छा आदमी है, इसलिए उसने गुलियेल्मो को अपनी माँ के पास जाने से नहीं रोका और वो चाहती थी कि वो दोनों हमेशा साथ रहे। अंत में सब कुछ ठीक हो गया और लूना अपने नए घर में खुशी खुशी ऑर्नेला और गुलियेल्मो के साथ रहने लगी। इतना ही नहीं, लूना को भी उस गार्ड में प्यार मिल गया जो पोप के लिए काम करता है। Make sure subscribe our channel for more videos, and thanks for watching.